अब हम आ जाते हैं सेल्फ इंडक्टेंस के ऊपर। जो बेसिक ईएमएफ का फार्मूला हमें फैराडे लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से मालूम है, वो हमारे पास है वो कुछ इस तरह से है। इस चीज को हम कहते हैं फ्लक्स लिंकेज, क्योंकि ये वो चीज है जो हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज। फिर हमने बाद में कहा था कि एन इज अ कांस्टेंट नंबर, तो फिर हमने इसको मॉडिफाई करके लिख लिया। ऐसे अब यहां से देखें, जो फ्लक्स लिंकेज है सेल्फ इंडक्शन का, जो फिनोमिना हमने देखा है, उसमें जो फ्लक्स लिंकेज है उसमें चेंज आ रहा है, वो दरअसल हमारी अपने कंट्रोल में है, क्योंकि हम पीछे से आने वाले बैटरी के करंट को कंट्रोल करते हैं, उसको कम ज्यादा करते हैं, तो उसमें फ्लक्स लिंकेज जो है वो चेंज हो रहा है। इसका मतलब है जो फ्लक्स लिंकेज है उसका लिंक सर्किट में आने वाले करंट के साथ है। इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं कि जो करंट में चेंज आएगा उसी हिसाब से फ्लक्स लिंकेज में भी चेंज आएगा। अगर हम करंट को चेंज करेंगे तो फ्लक्स लिंकेज में भी चेंज आएगा। अगर हम वहां पर जो हमारे पास फैराडे लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, इसमें हम जो फ्लक्स लिंकेज है इसकी जगह सेल्फ इंडक्शन की स्पेशल केस में हम करंट की वैल्यू पुट कर दें, तो इसका मतलब है जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के प्रोपोर्शनल है, क्योंकि सर्किट में आने वाला करंट चेंज होगा तब जाकर इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी। उस ईएमएफ को हम इंड्यूस सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। अब इसकी जगह आपके पास एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगा। अब ये जो कांस्टेंट है इस कांस्टेंट को कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, और जो सेल्फ इंडक्टेंस हमारे पास आ जाती है वो इसके बराबर आ जाती है।
इसकी जो यूनिट है वो हेनरी है और हेनरी को हम यहां से देख सकते हैं कि ये वोल्ट इस तरह से हम पर सेकंड लिख लेंगे और ये वोल्ट पर वोल्ट सेकंड पर एम्पीयर, ये इस तरह से इसकी यूनिट बन जाती है।